गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक्सेल लर्निंग कम्युनिटी में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, एक्सेल लर्निंग कम्युनिटी में इस वक्त हम लोग हिस्टोग्राम और उसकी स्क्यूनेस के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अगर एग्जैक्टली मैं आपसे कहूँ तो ये जो मेरी सीरीज़ है वीडियो की, इसमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड जितने भी चार्ट और ग्राफ्स हैं हम लोग उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपसे हिस्टोग्राम और उसकी स्क्यूनेस के बारे में डिस्कस किया था। हम लोगों ने कई तरीके के हिस्टोग्राम्स डिस्कस किए थे, जिसमें कि हम लोगों ने उसमें पॉजिटिव स्क्यूनेस क्या होती है, नेगेटिव स्क्यूनेस क्या होती है, बाईमोडल हिस्टोग्राम्स क्या होते हैं, नॉर्मल हिस्टोग्राम, बेल शेप कर्व्ड हिस्टोग्राम हमारा क्या होता है, उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी विस्तार से। इस पर्टिकुलर वीडियो में फ्रेंड्स, मैं आपके लिए एक बहुत ही कूल टेक्निक हिस्टोग्राम की लेके आया हूँ, जिसको हम लोग कहते हैं हिस्टोग्राम स्पार्क लाइन्स। हिस्टोग्राम स्पार्क लाइन्स क्या होती हैं उसके बारे में तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन उससे पहले मैं आपको ज़रूर ये बताना चाहूँगा कि हिस्टोग्राम स्पार्क लाइन्स आप कब और किन सिचुएशंस में यूज़ कर सकते हैं। देखिए, कई बार हमें हमारी मैनेजमेंट जो है हमारा एक पर्टिकुलर डाटा हमको देती है और कहती है कि मुझे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इसका सक्सेशन, इसका प्रोग्रेशन, ये पर्टिकुलर डाटा 12 महीनों में, 14 महीनों में, 2 साल में कैसे प्रोग्रेस किया है, तो मुझे एक छोटी सी शीट के ऊपर आप मेरे को बना के दिखाइए। अब अगर आपने मान लीजिए सेल्स का डाटा है, अगर आपने 12 महीने का डाटा आपने लेना है तो आपको 12 हिस्टोग्राम्स बनाने हैं, तो 12 हिस्टोग्राम्स के लिए आपको स्पेस भी बहुत ज़्यादा चाहिए और फिर लगातार आप स्लाइड्स शो कर करके आप उनको दिखाएंगे और उसमें जो एक पैटर्न वो पकड़ना चाहते हैं, अगर 12 के 12 चार्ट्स एक साथ कहीं लगे हुए हों और वो पैटर्न आप पकड़ना चाहते हों तो वो शायद 12 हिस्टोग्राम्स अलग अलग आपके सामने रखेंगे तो वो आप उसको उस पैटर्न को कैच नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर 12 हिस्टोग्राम्स एक साथ एक ही सीरियल ऑर्डर में लगातार आपके सामने अगर वहाँ किसी ने रखे हुए हैं तो आप बहुत आराम से पैटर्न को रीड कर सकते हैं, आप उसमें स्क्यूनेस आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसमें हाई और लो आप क्लियरली आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो हिस्टोग्राम स्पार्क लाइंस जो है हमें इन्हीं सब चीज़ों से उभारता है और ये हमारी जो प्रॉब्लम है इसका एक हमें एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन देता है। तो लेट अस कम टू द हिस्टोग्राम स्पार्क लाइंस एंड लेट मी explain you also that what exactly I mean by histogram sparklines and how we can build up this particular sparklines also in MS Excel sheet. So histogram sparklines, we know that histograms are a common data visualization technique that is often used for comparing dense set of numbers. They convey more information than the usual table of numbers and readable at first glance. Large histograms require significant amount of space and often cannot be included due to constraints. देखिए, इसी के बारे में मैं आपसे बात कर रहा था। Hence Excel has designed and created sparklines. Sparklines are many charts and created in a single cell, each representing a row of data in your selection. Each column of the table represents a given test case and methods under comparison are stacked vertically. This is what exactly we want also, कि अगर मेरे पास सारा data एक ही row में हो, vertical spacing आराम से उसमें हो गई हो, then probably it becomes very easy for me to take a business decision. So this is a very, very useful technique, friends. So let us now talk about the histogram sparklines. Here, what I have done here, मैंने यहाँ पर एक अपना हमारे मैथ्स का ओलंपियाड होना था एक स्कूल में, तो वहाँ मैं गया हुआ था, तो वहाँ से मैंने डाटा इनका पिकअप किया है। They were preparing the students for maths ओलंपियाड। उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने 8 टर्म एग्जाम्स लिए और उन लोगों ने एक पर्टिकुलर डाटा मुझे दिया, फिर मैंने इस डाटा को अपने ढंग से सिमुलेट किया है। अब देखिए, ये 8 टर्म्स के मेरे पास 300 स्टूडेंट्स के स्कोर्स हैं जो कि मैंने यहाँ पर आपके सामने लेके आया हूँ। और फिर उसके बाद देखिए, मैंने जो इसका सिमुलेशन किया कैसे किया, ये चूज़ अ रैंड बिटवीन का मैंने यहाँ पर टेक्निक यूज़ किया है। इसका मेरा एक अलग से वीडियो है, आप चाहें तो रैंड बिटवीन को कैसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं, किन किन फार्मूलाज के साथ मिक्स करके, तो वो मैंने एक अलग से वीडियो यहाँ पर बनाया है, आप चाहें तो उसको आप देख सकते हैं। फिलहाल यू जस्ट कंसंट्रेट ऑन दिस पर्टिकुलर फार्मूला कि मैंने ये जो इस डाटा सिमुलेशन किया वो मैंने कैसे किया, ये चूज़ और रैंड बिटवीन के साथ मैंने किया और मैंने पर्टिकुलर नंबर सीरीज जनरेट करनी थी तो वो मैंने यहाँ पर जनरेट की है। तो ये मेरे मैथ टर्म्स के स्कोर्स हैं यहाँ पर 300 स्टूडेंट्स के। अब उसके बाद मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर इनका फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट किया। फ्रीक्वेंसी के लिए मैंने अगेन यहाँ पर इनके बेंस लिए और मैंने, क्योंकि ये यहाँ पर फ्रीक्वेंट फंक्शन FREQ फंक्शन मैंने MS Excel का मैंने फ्रीक्वेंसी फंक्शन यूज़ किया है, तो मैंने यहाँ पर इसके बेंस बनाए 10, 20, 30, 40, क्योंकि मैंने यहाँ पर सिर्फ अपर लिमिट्स ली हैं। अब अपर लिमिट्स ली हैं तो इसका मतलब ये
बताता है कि अगर 40 से 50 के बीच में मेरे स्टूडेंट्स का स्कोर अगर मुझे देखना है फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम का, तो उसमें 30 स्टूडेंट्स हैं। अगर 60 से 70 के बीच में मुझे स्टूडेंट्स का स्कोर देखना है टर्म टू में, तो वो 70 स्टूडेंट्स हैं। तो ये मैंने बिन्स यहाँ पर बनाए हैं, और उसके बाद मैंने फ्रिक्वेंसी फंक्शन यहाँ पर यूज़ किया, जो कि मैंने फॉर्मूला यहाँ आपको दिखाई रखा है कि मैंने अपना पूरा डाटा मैंने कहाँ से कहाँ तक का मैंने लिया है। ये मैंने मान लीजिए मेरा कॉलम ए है, तो कॉलम ए का फिर उसके बाद मैंने इसका ये बिन्स यहाँ बनाए हुए हैं, इसने पूरा फ्रीक्वेंसी मुझे यहाँ पर लाके दे दिया। ये मैंने फ्रीक्वेंसी फंक्शन अपने जो लास्ट वीडियो की सीरीज़ है उसमें मैंने फ्रीक्वेंसी फंक्शन मैंने आपको बना के दिखाया भी है। तो ये मेरा यहाँ पर हर एक की फ्रीक्वेंसी यहाँ पर आ गई, 8 के 8 टर्म एग्ज़ाम्स की देखिए यहाँ पर है। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं ये देखूँ तो मेरा मोड स्कोर मींस कि मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स ने स्कोर किया है एक फर्स्ट टर्म में 64 जो है नंबर बहुत बार रिपीट हो रहा है, टर्म टू में 67 बहुत बार रिपीट हो रहा है, टर्म थ्री में 72 नंबर बहुत बार रिपीट हो रहा है, टर्म फोर में 81 रिपीट हो रहा है, फिर टर्म फाइव में 66, फिर टर्म सिक्स में 73, फिर टर्म सेवन में 68, फिर टर्म 8 में 68। तो मुझे यहाँ कैटेगरीज यहाँ पर देखिए, मेरे अगर मैं देखूँ तो 50 से 60 के बीच में टर्म टू में 67 स्टूडेंट्स हैं, अगर मैं देखूँ 70 से 80 के बीच में टर्म वन में 64 स्टूडेंट्स हैं। तो देखिए मुझे यहाँ कैटेगराइजेशन करना बहुत आसान हो रहा है मेरे लिए, और यही चीज़ जो है मेरे को मेरे स्पार्कलाइंस भी यहाँ पर आराम से दिखाई देंगी, और एक पैटर्न मेरे को बताएंगी कि पैटर्न जो है मैं आराम से रीड कर सकती हूँ, स्क्यूनेस वहाँ आ रही है तो कैसी आ रही है। ये मेरा अपना स्कोर टर्म एग्जाम्स का, मैं चाहूँ तो अगर मेरे पास सेल्स डाटा है तो सेल्स डाटा के ऊपर भी मैं इस टाइप का सिमुलेशन करके और स्पार्क लाइन्स जनरेट करके मैं एक ट्रेंड यहाँ पर कैच कर सकता हूँ। तो ये जो स्पार्क लाइन्स की मैं बात कर रहा हूँ बहुत ही कूल और बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्यूचर है, लेकिन ये स्पार्क लाइन्स हम लोग बनाएंगे कैसे? सो नाउ लेट अस प्लेस द हिस्टोग्राम स्पार्क लाइन्स इन रो 3। दिस इज माई रो 3 एंड हेयर आई विल प्लेस द स्पार्क लाइन्स। अब देखिए मैंने क्या किया, ये जो स्कोर्स हैं बिकॉज आई एम मोर इंटरेस्टेड इन द फ्रीक्वेंसी, क्योंकि मुझे फ्रीक्वेंसी पकड़नी है और उसको फ्रीक्वेंसी का पैटर्न रीड करना है, इसीलिए मैंने क्या किया, ये मेरे 8 टर्म एग्जाम्स हैं, 8 टर्म एग्जाम्स का मैंने यहाँ पर इन लोगों को ये इस पर्टिकुलर रूम में मैंने इसको सेलेक्ट किया। ये देखिए थोड़ा सा स्पेस मैंने यहाँ पर बढ़ाया है क्योंकि मेरे यहाँ हिस्टोग्राम बन के आएगा, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर ये 8 जो मेरे सेल्स हैं इनको मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद मैं क्या करूँगा, स्ट्रेट अवे यू गो इन द एक्सेल रिबन बार इंसर्ट, आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको ये कॉलम यहाँ पर दिखाई देगा, कॉलम के ऊपर ले जाके क्लिक कीजिए तो ये कॉलम स्पार्क लाइन आपको यहाँ पर देगा, विच रीड्स दैट स्पार्क लाइन्स आर मिनी चार्ट्स प्लेस्ड इन सिंगल सेल्स ईच रिप्रेजेंटिंग अ रो ऑफ डाटा इन योर सेलेक्शन। देखिए मैंने यहाँ इसको ऑलरेडी सेलेक्ट किया हुआ था, तो इसीलिए ये डायलॉग बॉक्स जब यहाँ निकल के आया तो ऑलरेडी इसने लोकेशन रेंज सेलेक्ट की हुई है। इससे क्या है, हमसे गलती नहीं होगी अगर मैं पहले से सेलेक्ट करके चलूँगा, आप चाहें तो इसको बाद में भी प्लेस कर सकते हैं, लेकिन मैंने पहले ही किया ताकि मुझे जहाँ एग्जैक्टली मुझे डाटा चाहिए मुझे वहाँ पर मिल जाए। इसके बाद व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस हियर डाटा रेंज। डाटा रेंज में मैंने ये जितनी भी फ्रीक्वेंसी है यहाँ पर, जितनी भी फ्रीक्वेंसी मैंने इसको सेलेक्ट किया, इट इज़ फ्रॉम K5 टू R14, मैंने इसको यहाँ पर सेलेक्ट किया और इसको यहाँ पर प्लेस किया, क्लिक ओके, और देखिए ये यहाँ पर मेरा हिस्टोग्राम स्पार्क लाइन्स यहाँ मेरा बना हुआ आ गया, ये मेरा इस कलर में। इफ़ आई वांट टू चेंज द कलर ऑल्सो, तो मुझे लगा कि ये नीला कलर थोड़ा सा हल्का है क्योंकि मैं वीडियो प्रेजेंटेशन कर रहा हूँ तो थोड़ा एक अट्रैक्टिव कलर होना चाहिए, तो मैंने क्या किया, मैं कलर के ऊपर गया, थीम कलर्स के ऊपर, स्पार्कलिंग कलर्स, मैंने ये कलर इसमें डार्क रेड सेलेक्ट किया। देखिए ये बहुत क्लियरली ये यहाँ पर आ चुका है अच्छे कलर में। अब कैन यू नोटिस द स्क्यूनेस हेयर इन दिस पर्टिकुलर हिस्टोग्राम्स, जो हिस्टोग्राम्स बन के आए हैं, इज़ इट कन्वेइंग यू एनी मीनिंग ऑल्सो, जिसके लिए हम लोगों ने इसको ड्रॉ किया है। देखिए स्क्यूनेस अगर रीड करनी है तो देखिए ये यहाँ पर मेरे को स्क्यूनेस दिखाई दे रही, कुछ स्कोर यहाँ पर कम है स्टूडेंट्स के, इसीलिए इन लोगों ने मेरा जो मीन स्कोर है डाउन किया, ये नेगेटिव स्क्यूनेस है, दिस इज़ ऑल्सो टू अ ग्रेट एक्सटेंट नेगेटिव स्क्यूनेस, दिस इज ऑल्सो नेगेटिव स्क्यूनेस, सो वी कैन ईजीली, यहाँ भी आपको थोड़ी सी नेगेटिव स्क्यूनेस दिखाई दे रही, ये ऑलमोस्ट आपको थोड़ा सा बेल शेप में, एंड दैट टू विद ऑलमोस्ट वी कैन से बाई मॉडल मेरा यहाँ पर बन रहा है, यहाँ भी मेरा ऑलमोस्ट बेल शेप में है, यहाँ भी मेरा बाई मॉडल है, देखिए यहाँ मेरी नेगेटिव स्क्यूनेस है, यहाँ मेरी नेगेटिव स्क्यूनेस है, यहाँ मेरी नेगेटिव स्क्यूनेस है, यहाँ भी मेरी नेगेटिव स्क्यूनेस है, और यहाँ तो मेरी नेगेटिव स्क्यूनेस है ही। सो दिस क्लियरली शोज दैट सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर पुलिंग द स्कोर्स डाउन, तो हमें अगर ये कंसंट्रेट करना हो कि अभी भी अगर हमारा जो ये कंसिस्टेंसी आई है या नहीं आई है, प्रोबेबली थ्रू दिस हिस्टोग्राम स्पार्क लाइन्स वी कैन ईजिली ऑब्जर्व ऑल्सो।
सो एक तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर यहाँ पर हो। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर स्कोर्स भी अपने प्लेस करूँगा। नाउ लेट मी गिव द लेबल टू आर स्पार्क लाइन्स विच आई विल क्रिएट इन सेल J3 यूजिंग अ फार्मूला। आई विल बी यूजिंग मैक्स फंक्शन। मिन का हमारा मतलब ही नहीं है क्योंकि मिनिमम स्कोर मेरा जीरो है, मुझे मालूम है, तो जीरो मैं यहाँ पर ऑलरेडी लेके आऊँगा। देन मैक्स स्कोर मुझे चाहिए क्योंकि मुझे यहाँ पर ये इनकी हाइट्स देखनी है कि इनकी हाइट्स मैक्सिमम कितनी है, तो यहाँ पर मैक्स फंक्शन लेके आऊँगा। साथ ही साथ क्योंकि मुझे यहाँ पर जीरो और मैक्स के बीच में डिस्टेंस भी देना है, तो उसके लिए मैं कैरेक्टर फंक्शन यूज़ करूँगा। अब कैरेक्टर फंक्शन, वैसे फ्रेंड्स मैंने इसका एक अलग से वीडियो तैयार किया हुआ है, आप चाहें तो मेरा कैरेक्टर फंक्शन का वीडियो देख के उसको समझ सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा मैं, अगर आप लोग पहली बार कैरेक्टर फंक्शन के बारे में सुन रहे हैं या आपको मालूम नहीं है, तो थोड़ा सा मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ। नाउ द माइक्रोसॉफ्ट कैरेक्टर फंक्शन रिटर्न्स द कैरेक्टर बेस्ड ऑन ASCII वैल्यू सिस्टम्स। ये ऑपरेटिंग सिस्टम है एक। इट रिटर्न्स द कैरेक्टर रिलेटिंग टू अ सप्लाइड कैरेक्टर सेट नंबर। द कैरेक्टर फंक्शन इज अ बिल्ट इन फंक्शन इन एक्सेल दैट इज कैटेगराइज्ड एज अ स्ट्रिंग और टेक्स्ट फंक्शन। इट कैन बी यूज एज अ वर्कशीट फंक्शन ऑल्सो इन एक्सेल। एंड हेयर आई हैव यूज कैरेक्टर 10 टू एड अ लिंक ब्रेक इन अ फॉर्मूला फॉर ऑन विंडोज। अब ये कैरेक्टर फंक्शन की लिस्ट क्या है, लेट मी शो यू दिस। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने आपके लिए यहाँ कैरेक्टर फंक्शन यहाँ लेके आया हूँ। ये कैरेक्टर 1 से स्टार्ट हो रहा है, कैरेक्टर 10 जो कि ब्लैंक है यहाँ पर हम लोग इसको यूज़ कर रहे हैं। ये देखिए आप, ये नंबर्स यहाँ पर आप देखिएगा, कैरेक्टर जहाँ पर ये रो एंड होंगी, देखिए ये 255, दिस इज़ व्हाट आई वाज टॉकिंग टू यू। रो 1 में 51, फिर 102, 153, 204, 255 कैरेक्टर्स। ये फ्रेंड्स आप एक्सेल, आप गूगल में अगर जाएंगे तो गूगल में आप जैसे ही CHAR फंक्शन आप टाइप करेंगे तो आपको ये लिस्ट किसी भी आपको ब्लॉग में या वेबसाइट में आराम से मिल जाएगी, या हो सकता है कि आपको MS ऑफिस की ही वेबसाइट में या कैरेक्टर फंक्शंस की लिस्ट यहाँ मिल जाए। हालांकि ये सिंबल में आपको जो हम लोग अपना पावर पॉइंट या एक्सेल में जब हम लोग सिंबल का हम लोग यूज़ करते हैं तो उसमें भी आपको ये सारे सिंबल्स मिलेंगे, लेकिन उसमें काफ़ी ज़्यादा है, वो 700-800 के करीब हैं। लेकिन इन लोगों ने स्पेशल प्रोविजन के थ्रू 255 कैरेक्टर्स इनके नंबर यहाँ पर दिए हैं, और उसके बाद उन्होंने प्रोविजन किए दिया है कि हम लोग अगर यूज़ करना चाहें अपने टेक्स्ट या स्ट्रिंग फार्मूला में तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। लेट अस कम बैक टू आवर पावर पॉइंट। तो नाउ अब मैं फ्रेंड्स, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर फार्मूला बिल्ड करना है। जैसे मैं आपसे कह रहा था कि वी आर गोइंग टू बिल्ड अप द फार्मूला इन सेल J3, तो मैं J3 में आया, और J3 में आके मैंने अपना, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि मैं मैक्स फंक्शन यूज़ करूँगा, तो मैंने अपना पूरा यहाँ पर जो मेरा पूरा डाटा है मैंने यहाँ पर उसको सेलेक्ट किया, K5 से R14, फिर उसके बाद मैंने एम्परसेंट साइन लगाया, फिर उसके बाद मैंने कैरेक्टर, फिर उसके बाद 10 10 क्योंकि ब्लैंक का है तो मैंने दो बार रखा कैरेक्टर 10 एंड फिर एम्परसेंट साइन कैरेक्टर 10 देन एम्परसेंट साइन 0 क्योंकि मेरा मिनिमम वैल्यू मेरा 0 है। उसके बाद मैंने इसको यहाँ क्लोज किया, क्लोज करने के बाद मैंने हिट किया एंटर, और ये यहाँ पर मेरा 7, आपको लगेगा ये 750 आ गया है। ये आप, ये थोड़ा सा हो सकता है आपको यहाँ पर ये एक धोखा हो जाए, तो आप इस धोखे में मत पड़िएगा। वी गेट द रिस्पॉन्स बट सिंस वी नीड टू हैव रेंज ऑफ हिस्टोग्राम्स हैंस आई क्लिक ऑन रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट में आप जाइए यहाँ पर, देखिए रैप टेक्स्ट में आप जैसे ही यहाँ जाएंगे ना, आप इसके ऊपर ले जाके आप इसको क्लिक करेंगे तो इमीडिएटली ये आपको, देखिए यहाँ पर आपका लोएस्ट नंबर आएगा 0, यहाँ पर हाईएस्ट नंबर, ये आपको पूरा एक अच्छा सा यहाँ पर आपको एक लेबल आपको दे देगा कि दैट इट इज़ द मिनिमम इज 0, मैक्सिमम इज 75। सो दिस इज़ व्हाट वी वर लुकिंग फॉरवर्ड। अब क्योंकि मेरा ये रैंडम मैंने नंबर जनरेट किया है, सिमुलेट मैंने किया हुआ है इसको, तो मैं चाहूँ तो बड़े आराम से F9 हिट करूं और मैं ये हिस्टोग्राम्स की खूबसूरती यहाँ पर कैसे चेंज हो रही है मैं इसको भी बड़े आराम से ऑब्जर्व कर सकता हूँ। देखिए हैव अ लुक, है ना ये मज़ेदार टेक्निक। देखिए और एक चीज़ आप यहाँ और नोट कीजिए, जैसे ही मैं अपना F9 बटन प्रेस करता हूँ तो मेरे स्कोर्स भी चेंज हो रहे हैं, हाई स्कोर्स। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 75 था, यहाँ 71 हुआ, अब यहाँ पर 72 हो गया है, और यहाँ पर अब 85 हो गया है। सो इट विल कीप ऑन चेंजिंग। सो दिस इज़ हाउ एक्चुअली व्हाट आई वॉज ट्राइंग टू ऑब्जर्व, द मोमेंट आवर नंबर चेंजेस इमीडिएटली द स्क्यूनेस ऑफ द हिस्टोग्राम ऑल्सो चेंजेस। दिस इज़ अ वेरी कूल टेक्निक ऑफ स्पार्क लाइन्स स्पेशली इन द हिस्टोग्राम विच इज़
वेरी यूजफुल, वेरी वेरी रेलिवेंट ऑल्सो, जहाँ कि मुझे एक प्रोग्रेशन में, एक सक्सेशन में अपना डिस्प्ले करना है अपने रिपोर्ट्स को, और मेरे को एक ट्रेंड वहाँ पर कैच करवाना है, ऑब्जर्व करवाना है, मुझे अपने मैनेजमेंट का ध्यान वहाँ पर बंटवाना है, ताकि मैं उनको बता सकूँ कि मेरे रीजन में सेल्स में या स्कोर्स को लेके, अगर एग्जाम्स के स्कोर्स को लेके क्या हो रहा है। सो इट इज़ अ वेरी यूजफुल टेक्निक फ्रेंड्स। ये आप इसको किन सिचुएशन में यूज़ करना चाहते हैं, मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा वीडियो अबाउट हिस्टोग्राम स्पार्कलाइंस। आई होप कि मेरा ये वीडियो, मेरा भाई ये बनाया हुआ वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये बनाया हुआ वीडियो पसंद आया है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने कमेंट्स, पॉजिटिव कमेंट्स यहाँ पर लिखिए। अगर आपको नया टेक्निक आपके आपके जहन में है और आप उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो जस्ट ड्रॉप मी एन ईमेल, या इस यूट्यूब के जो नीचे यहाँ सजेशंस हैं, कमेंट्स हैं, वहाँ भी आप अपना ईमेल आईडी के थ्रू अपना सजेशंस मेरे को लिख सकते हैं, अपना ईमेल आईडी मेरे को दे सकते हैं, अपने सजेशंस वहाँ पर लिख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगले वीडियो तक के लिए फ्रेंड्स हैव अ वंडरफुल टाइम एंड गुड बाय।